हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड फिट एट योर होम। मैं आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ RBSE जो पैटर्न है हमारा, उसका चैप्टर फिफ्थ है, क्लास फिफ्थ की इंग्लिश रीडर बुक का, और उसका नाम है एडिंग कलर। एडिंग कलर मीन्स होता है टू कलर्स को ऐड करके नया कलर बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव गिवन सम मीनिंग्स, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन, सम क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे डू यू लाइक ड्राइंग, क्या आपको ड्राइंग पसंद है, तो आंसर्स भी दिए गए हैं, यस आई लाइक ड्राइंग। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है, विच इज़ योर फेवरेट कलर, क्या आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आंसर दिया गया है यहाँ पर, माय फेवरेट कलर इज रेड, कि मेरा फेवरेट कलर है वो रेड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, तो उसमें बताया गया है, पूछा गया है कि डू यू नो वी कैन गेट वेरियस अदर कलर्स बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर, क्या आप जानते हो हम दो अलग कलर को मिक्स करके नया कलर बना सकते हैं, तो इसका आंसर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, यस वी कैन गेट वेरियस अदर कलर्स बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर, कि हम दो कलर को मिक्स करके नया कलर बना सकते हैं। इसके बाद में हम रीड करने वाले हैं आज हमारे चैप्टर फाइव के पैसेज स्टेंजा नंबर वन को, और स्टेंजा नंबर वन यहाँ पर है और इसकी एक्सप्लेनेशन इसी के नीचे दी गई है, जो भी यहाँ पर स्टेंजा में बताया गया है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स, इनके मीनिंग्स दिए गए हैं, तो हियर इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, तो हम पहले मीनिंग पढ़ेंगे फिर उसका स्टेंजा पढ़ेंगे। तो पहले मीनिंग पढ़ते हैं, द फर्स्ट मीनिंग इज एडिंग। एडिंग का मतलब क्या होता है? एडिंग मीन्स मिक्स करना, मिक्सिंग करना, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज में मिलाना। देन अनदर इज गेट, अनदर मीनिंग इज गेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट? गेट मीन्स होता है फाइंड या ऑब्टेन, प्राप्त करना। फिर अनदर मीनिंग इज ग्रे, ग्रे मीन्स होता है स्लेटी कलर, जैसे वाइट और ब्लैक को मिक्स किया जाता है तो ग्रे कलर बनता है। इसके बाद है प्रे, प्रे मीन्स होता है भगवान से प्रार्थना करना, टू थैंक एंड रिक्वेस्ट टू गॉड। फिर लास्ट मीनिंग है हमारा टीडी, टीडी मीन्स साफ सुथरा, वेल अरेंज्ड। सो हम इस ये हमने मीनिंग पढ़े हैं इसके, आफ्टर इट वी विल गो थ्रू द स्टेंजा, लेट अस रीड स्टेंजा, आइए स्टेंजा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन की, एडिंग वाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, कि जब हम ब्लैक में वाइट को ऐड करते हैं तो हमें ग्रे कलर मिलता है। इसके बाद सेकेंड लाइन, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बार पूरा स्टेंजा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। तो एडिंग वाइट टू ब्लैक कलर वी गेट ग्रे, के जब हम वाइट में ब्लैक को ऐड करते हैं तो हमें ग्रे कलर मिलता है। एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, के भगवान को हमें रोज़ाना प्रार्थना करनी चाहिए। एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, येलो में ब्लू मिलाने से ग्रीन कलर हम प्राप्त करते हैं। आवर हाउस शुड ऑलवेज बी टिडी एंड क्लीन, इसमें जो टू लाइन्स हैं वो टू लाइन्स एडिंग कलर से रिलेटेड हैं, कलर को मिक्स करने से रिलेटेड हैं, और उसी के साथ में जो टू लाइन्स हैं वो मॉरल साइंस की है, मतलब हमें हमारी मॉरलिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो लेट अस नो अबाउट इट्स, यहाँ पर नीचे दी गई है, इन दिस स्टेंजा ऑफ द पोइम द पोइट टीचेस अस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, इस कविता के इस स्टेंजा में जो हमने ऊपर पढ़ा, इसमें कवि हमें दो इम्पोर्टेंट बातें बताता है। द फर्स्ट थिंग टू कीप द सोल क्लीन बाय प्रेइंग टू गॉड एवरी डे, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमारी आत्मा को
शुद्ध रखना चाहिए भगवान से एवरीडे प्रार्थना करके। एंड अनदर थिंग इज़ टू क्लीन होम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। और दूसरी चीज़ कि हमें घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वी गेट ग्रे कलर व्हेन वी मिक्स वाइट एंड ब्लैक कलर्स टुगेदर। कि जब हम वाइट और ब्लैक को साथ साथ मिलाते हैं तो हमें ग्रे कलर मिलता है। सेम वे और उसी प्रकार से व्हेन वी मिक्स येलो कलर एंड ब्लू कलर्स वी गेट ग्रीन कलर। के जब हम येलो और ब्लू कलर मिलाते हैं तो हमें ग्रीन कलर मिलता है। द पॉइंट फर्दर एडवाइसेज अस दैट वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे एंड शुड कीप अवर होम्स नीट एंड क्लीन। और आगे इसी स्टेंजा के अंदर कवि हमें सलाह देता है कि हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को प्रे करना चाहिए और हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी स्टेंजा नंबर 1 पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेंजा नंबर 2। हम स्टेंजा नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम स्टेंजा के जो मीनिंग्स हैं उन मीनिंग्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट मीनिंग है हमारा मस्ट। मस्ट मीन्स कंपल्सरी। मस्ट मीन्स होता है कंपल्सरी, जरूरी, आवश्यक। उसके बाद मीनिंग है आफ्टर। आफ्टर मीन्स लेटर देन, उसके बाद। फिर है बाइंग। बाइंग मीन्स किसी भी चीज़ को खरीदना। टू गेट समथिंग आफ्टर पेमेंट, किसी भी चीज़ को पेमेंट से हासिल करना। और इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मीनिंग, काउंट। काउंट मीन्स कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है चेंज। चेंज मीन्स जो छुट्टे पैसे हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने के बाद में इन रिटर्न प्राप्त करते हैं। एक्स्ट्रा मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर, एक्स्ट्रा पैसे जो शॉपकीपर हमें लौटाता है उसके बारे में बात है। चेंज, उसको हम चेंज ही बोलते हैं। इसके बाद पर्पल। पर्पल कलर मीन्स होता है बैंगनी कलर, रेडिश ब्लू कलर जो होता है उसको पर्पल कलर कहते हैं। देन नेक्स्ट मीनिंग इज लवली। लवली मतलब सुंदर, प्रिय, प्यारा सा दिखने वाला, नाइस। एंड द लास्ट मीनिंग इज कपल। कपल मतलब होता है पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको कपल कहा जाता है। यहाँ पर हमने इसके मीनिंग जाने। नाउ लेट अस रीड अबाउट द स्टेंजा। अब हम स्टेंजा 2 पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2। और उसकी ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। सो लेट अस रीड द स्टेंजा। एवरीथिंग इन आवर होम्स शुड बी वेल अरेंज एंड प्रॉपरली प्लेस्ड। फिर आगे कवि कहते हैं कि हमारे घर में जो कुछ भी है उसको अच्छी तरह से अरेंज किया जाना चाहिए और प्रॉपरली प्लेस्ड, उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। फिर एडिंग वाइट कलर टू रेड वी गेट पिंक। फिर वो दो बातें बताते हैं, एक तो मॉरल साइंस वाली बताते हैं और जो दूसरी बात है वो कलर मिक्स करने वाली बताते हैं। तो फर्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि हमारे घर में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से वेल अरेंज करके रखा जाना चाहिए। और इन द सेकेंड लाइन ही सेज एडिंग वाइट टू रेड वी गेट पिंक, कि जब हम वाइट में रेड कलर मिलाते हैं तो हमें पिंक कलर मिलता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल्क वी मस्ट ड्रिंक, सुबह और शाम हमें आवश्यक रूप से दूध पीना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि एडिंग येलो टू रेड, के जब हम रेड में येलो मिलाते हैं तो वी गेट ऑरेंज, हमें ऑरेंज कलर मिलता है। आफ्टर बाइंग समथिंग, और कुछ ख़रीदने के बाद वी शुड काउंट द चेंज, हमें चेंज जो है वो काउंट कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। पिंक का ड्रिंक आया है यहाँ पर और ऑरेंज का राइमिंग वर्ड चेंज आया है। एडिंग ब्लू टू रेड, जब हम ब्लू में रेड मिलाते हैं तो वी गेट पर्पल, हमें पर्पल कलर होता है जो बैंगनी कलर, वो कलर हमें मिलता है। और मम्मी एंड पापा मेक ए लवली कपल, मम्मी और पापा मिलकर के एक बहुत ही लवली कपल बनते हैं। तो हम आइए अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन समझते हैं। इन दिस स्टेंजा, ये जो हमने स्टेंजा पढ़ा है, इस स्टेंजा के, इस पोइम के स्टेंजा में द पॉइट टीचेज अस 3 गुड थिंग्स अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कलर।
आफ्टर मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर्स, के कवि हमें तीन चीज़ें बताता है और उसी के साथ में वो नए कलर की फॉर्मेशन के बारे में भी बताता है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार, व्हेन वाइट एंड रेड कलर आर मिक्स, के जब सफ़ेद और लाल कलर मिलाया जाता है तो वी गेट पिंक कलर, हमें पिंक कलर मिलता है। व्हेन येलो एंड रेड कलर्स आर मिक्स्ड, जब येलो और रेड कलर मिलाया जाता है तो वी गेट ऑरेंज कलर, तो हमें ऑरेंज कलर मिलता है। इन द सेम वे, उसी तरीके से, व्हेन ब्लू एंड रेड कलर्स आर मिक्स्ड, कि जब ब्लू और रेड कलर मिलाया जाता है तो पर्पल कलर इज़ फॉर्म्ड, पर्पल कलर जो होता है बैंगनी कलर, वो हमें मिलता है। बिसाइड द नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन न्यू कलर्स, नए कलर्स की नॉलेज के अलावा, नए कलर्स को फॉर्म करने, नए कलर्स को बनाने के अलावा, द पॉइंट एडवाइसेस अस, कवि हमें एडवाइस देते हैं, दैट वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, कि हमें सुबह शाम एक एक गिलास दूध पीना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल अबाउट द चेंज और मनी विच वी गेट फ्रॉम द शॉपकीपर आफ्टर पेइंग हेम फॉर समथिंग, कि जब हम दुकानदार को किसी चीज़ के लिए पैसे देते हैं और बदले में वो हमें चेंज देता है तो हमें उसके लिए सावधान रहना चाहिए, हमें उनको गिन लेना चाहिए उसने कम तो नहीं दे दिया। वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द बेस्ट कपल फॉर देयर चिल्ड्रन, और हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कपल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दोनों स्टेंजर्स के बारे में जाना और रीड किया। इसके बाद हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी देखते हैं। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू, के हम जब ब्लैक में कोई कलर का नाम लिखना है यहाँ पर उसको मिलाएं तो हमें ग्रे कलर बनेगा, मिल जाएगा। तो ब्लैक में कौन से कलर को मिलाया जाए ग्रे कलर बन जाए, तो उसके आंसर्स यहीं पर दिए हुए हैं। उसके जो आंसर्स हैं वो ये वाइट कलर, ब्लैक में जब हम वाइट कलर मिलाएंगे तो ग्रे कलर बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ दिया गया है, उसी के आगे सेकंड वाले का आंसर है। सेकंड इज़ टू गेट ग्रीन कलर वी शुड मिक्स ब्लैंक एंड येलो, के हमें ग्रीन कलर प्राप्त करने के लिए येलो कलर में कौन सा कलर मिलाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है नीचे ब्लू कलर। डियर स्टूडेंट्स, आंसर्स के नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लैंक कलर्स वी विल गेट पर्पल कलर, कि हम रेड में कौन सा कलर मिलाएं कि हमें पर्पल कलर प्राप्त हो जाए, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर दिया गया है ब्लू कलर, रेड में मिलाने से हमें पर्पल कलर मिक्स मिल जाएगा। आफ्टर इट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखना है और ये जो बुक फिलअप है ये बुक में करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर्स डू यू नीड टू गेट पिंक कलर, कि कौन से कलर आपको आपस में मिलाने होंगे जब आपको पिंक कलर मिलेगा, तो उसका आंसर है वी नीड वाइट एंड रेड कलर्स टू गेट पिंक कलर, के रेड और वाइट कलर को जब हम आपस में मिलाएंगे तो पिंक कलर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट कलर इज़ द मिल्क, के दूध का कलर कौन सा है, तो मिल्क इज़ वाइट, तो दूध जो होता है वो सफ़ेद कलर में होता है, यहाँ पर सेकंड का क्वेश्चन उसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन वी गेट ऑरेंज कलर, हमें ऑरेंज कलर कैसे मिल सकता है, तो उसी के नीचे उसका आंसर है वी कैन गेट ऑरेंज कलर बाय एडिंग येलो कलर टू रेड कलर, के जब हम रेड कलर में येलो कलर मिलाते हैं तो हमें ऑरेंज कलर मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर दिया गया है, वाई शुड वी काउंट द चेंज आफ्टर बाय समथिंग, कि जब हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसके बाद में हमें काउंट चेंज जो देता है दुकानदार उसको काउंट क्यों कर लेना चाहिए, तो वी शुड काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग टू अवॉइड बींग चीटेड बाय द शॉपकीपर, दुकानदार के द्वारा दिए गए जो चेंज हैं वो हमें काउंट कर लेना चाहिए ताकि हम दुकानदार के द्वारा की जाने वाली
शॉपकीपर के द्वारा की जाने वाली चीटिंग से बच जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस क्वेश्चन आंसर्स हम एक्टिविटी थर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर बी कि राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट एंड सेम साउंड। फॉर एग्जांपल पेन का टेन, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। के राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द, जैसे पेन, तो पेन के पीछे ई एन आ रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है एन, तो उसी का सेम साउंड वाला शब्द वहाँ पर लिखना है। उसी तरह से हमें यहाँ पर जो दिए गए वर्ड्स हैं इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए, ट्रे का राइमिंग वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रे, और स्क्रीन का राइमिंग वर्ड है ग्रीन, थिंक का राइमिंग वर्ड है पिंक। ये आंसर्स मैंने यहाँ पर साथ में दिए हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से बुक फिलअप कर सकते हो। इसके बाद एक्टिविटी थर्ड में है से दीज वर्ड्स अलाउड, कि ये जो शब्द हैं इनको, जो वर्ड्स दिए गए इनको ज़ोर ज़ोर से बोलना है ताकि आपका प्रोनंसिएशन ठीक हो जाए। तो ये आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वन और टू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेड, तो रेड का राइमिंग वर्ड है हेड, सैड, बैड। इसी तरह से ब्लैक, तो ब्लैक का राइमिंग वर्ड है पैक, रैक, बैक। ब्लू, ब्लू का राइमिंग वर्ड है यू, टू, शू। और वाइट, वाइट का सेम साउंड होगा हाइट, राइट और लाइट। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, गो टू द वेजिटेबल मार्केट विद योर पेरेंट्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट यू सी देयर। क्या आप अपने दोस्त के साथ में या अपने माता पिता के साथ में वेजिटेबल मार्केट जाएं और वहाँ पर जो भी सब्जियाँ हैं उनको देखें। नाउ राइट द कलर्स ऑफ दिस वेजिटेबल्स अगेंस्ट नेम, और फिर जो वेजिटेबल्स आपने देखी तो उनके कलर्स उनके आगे लिखें। तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं और उनके आगे उनके कलर लिखे हुए हैं, जैसे कैरेट, तो कैरेट का कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। रेडिश, रेडिश कौन से कलर में होता है, वाइट कलर में। ब्रिंजल, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्रिंजल, पर्पल। फिर कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर का कलर क्या होता है, ग्रीन। टोमेटो, टोमेटो का कलर क्या होता है, रेड। गार्लिक, लहसुन, गार्लिक का कलर वाइट। स्पिनच, स्पिनच मीन्स पालक, तो पालक का कलर ग्रीन। ये जैसे बीट रूट, चुकंदर जिसको कहते हैं, तो बीट रूट का कलर होता है रेड। कुकुम्बर, खीरा ककड़ी, तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन। और लेमन, लेमन जो नींबू होता है उसका कलर होता है येलो। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है यहाँ पर, और उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ ए रेनबो, कि हमें एक रेनबो बनाना है। ड्रॉ अ रेनबो, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं हिंदी में। डू यू नो द एक्रोनियम फॉर द कलर्स ऑफ द रेनबो, कि क्या आप जानते हो कि रेनबो के कलर का एक्रोनियम, एक्रोनियम मतलब जिसको कुछ लेटर्स को मिला करके शॉर्ट फॉर्म में नाम बनाया जाता है, जैसे तो इसका क्या है, विब ग्योर, विब ग्योर। ये विब ग्योर जो है वो रेनबो के कलर का नाम है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और रेड आर फॉर रेड, विब ग्योर। तो यहाँ पर हमें इनकी फुल फॉर्म लिखनी है, विब ग्योर की फुल फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर वी फॉर वायलेट मैंने आंसर लिखे हुए हैं, बी फॉर ब्लू, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड, ठीक है, आई फॉर इंडिगो, जी फॉर ग्रीन, ओ फॉर ऑरेंज। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज अपने बुक में करनी है, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ तक ये आपको नोटबुक में करने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी टॉट टुडे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो इसको अंडरस्टैंड, इसको समझने में, तो यू कैन सेंड मी थ्रू द टेक्स्ट बॉक्स। आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में।